Hello guys, this is the 9th lecture of HTL in C++. In this video, I took a very famous interview problem which was asked in many product-based companies just like Facebook, Amazon and Flipkart. So, difficulty level of this problem is easy and this problem is based on greedy approach. The problem name is activity selection problem. So, let's see what is this problem. So, you are given n activities with their start and finish times. Select the maximum number of activities that can be performed by a single person. Assume that a person can only work on a single activity at a time. So, simple, aapko n activities given hai, jinka aapko start or finish time given hoga. Usme se aapko maximum number of activities ko perform karna hai. Aur aap ek time par ek activity ko hi kar sakte ho. So, input mein aapko sabse pehle given hoga number of activities. Then their start times, then respectively their finish time. So इसका output 3 आएगा. 3 कैसे आएगा? अगर मैं 2 और 3 वाली activities को perform करूँ, then 3 and 4, then 5 and 6, then we can perform 3 activities, which is the maximum. अगर मैं 1 और 4 को ले लेता, तो मैं 4 तक तो कोई activity कर ही नहीं सकता था. So 4 पर मैं finish करता, then 4 से और कोई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो रही है तो आप उसके आगे के टाइम देखोगे 5th and 6th, देन आप इस एक्टिविटी को चूज करते. ओके, सो आप केवल 2 एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते थे जो कि मैक्सिमम नहीं है. सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस प्रॉब्लम मोर. यहां पर मैंने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है. अगर आप देखो कि अगर आप इस एक्टिविटी को करते तो आपकी ये दोनों एक्टिविटीज छूट जाती और आप केवल इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते थे. ओके, सो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे? सो जो सबसे पहला सॉल्यूशन माइंड में आता है वो ये होता है कि जो एक्टिविटी सबसे पहले स्टार्ट हो रही है मैं उसको स्टार्ट कर देता हूं. इस अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपने एक्टिविटीज को उनके स्टार्ट टाइम के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दोगे. स्टार्ट टाइम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करने के बाद जो एक्टिविटीज आपको पहले मिली आपने वो परफॉर्म की, देन इसका जो एंड टाइम होगा, एंड टाइम के बाद जो एक्टिविटी मिलेगी आप उसको परफॉर्म करोगे. सो अगर मैं इस अकॉर्डिंग करता हूं तो सबसे पहले एक्टिविटी कौन सी आएगी मेरी, 1 एंड 4 वाली, देन 5 एंड 6 व्हिच इज नॉट मैक्सिमम. ओके, सो अगर मैं 2 और 3 को लूं एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 देन आवर आंसर विल बी मैक्सिमम. सो ये तो कंफर्म हो गया कि हम इस प्रॉब्लम को इसके स्टार्ट टाइम को सॉल्व करके सॉल्व नहीं कर सकते. सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हो अपना खुद का, कि अगर आपको बहुत सारे काम एक दिन में करने होते हैं तो आप क्या करते हो कि आप ये देखते हो कि जो काम सबसे पहले फिनिश हो जाएगा आप उसको पहले परफॉर्म करते हो, देन उसके बाद रेस्ट में से जो सबसे पहले फिनिश हो जाएगा आप उसको परफॉर्म करते हो. तो आप यहां पर ये नहीं देख रहे हो कि कौन पहले स्टार्ट होगा, आप यहां पर ये देख रहे हो कि कौन पहले एंड हो जाएगा. ओके, इससे क्या होगा, आपका बहुत ही कम टाइम में एक टास्क फिनिश हो जाएगा, देन अगेन बहुत कम टाइम में आपका दूसरा टास्क फिनिश हो जाएगा. ओके, सो अगर मैं इसको इसके एंड टाइम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करूं सो जो टास्क जल्दी फिनिश हो रहा है उसका एंड टाइम भी कम होगा. सो अब इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके फिनिश टाइम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेंगे. ओके, सो लेट्स सी हाउ. इनपुट अगेन सेम, सॉर्ट द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू देयर फिनिश टाइम. अगर आपने फिनिश टाइम के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया तो आपको कुछ एक्टिविटी मिल गई दिस टाइप की. सो सबसे पहले हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे क्योंकि इसका फिनिश टाइम सबसे कम है. तो ये एक्टिविटी 3 पर फिनिश हो जाएगी, देन आप चूज करोगे कि 3 से कोई और एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है क्या. हाँ, 3 से ये एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, देन आप इस एक्टिविटी को करोगे, देन 4 के बाद से 5 एंड 6, तो आपके पास टोटल 3 एक्टिविटीज हो गई जो कि मैक्सिमम भी है. सो आउटपुट विल बी 3. इस तरह से हमने अपनी एक्टिविटीज को मैक्सिमाइज कर दिया. ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ टू कोड दिस. सो आगे का वीडियो देखने से पहले आप इसको खुद ट्राई करो. अभी तक जितना मैंने एचटीएल में पढ़ाया है उतने से ही ये सॉल्व हो जाएगा. सो फर्स्ट ट्राई इट बाय योरसेल्फ, देन कम टू वीडियो एंड वॉच द सॉल्यूशन. ओके, सो आई एम गोइंग टू कोड इट. सो फर्स्ट टेक द इनपुट नंबर ऑफ एक्टिविटीज एंड देन स्टार्ट टाइम ऑफ एन साइज एंड फिनिश टाइम ऑल्सो एन साइज. Now take the input for start time I is equal to 0 to n and start of I. इसको आपको input लेना है, then c in start of I.
इसी तरह आपको फिनिश टाइम के लिए इनपुट लेना है, फिनिश। सो अब आपको इसको सॉर्ट करना है इसके फिनिश टाइम के अकॉर्डिंग। सो उससे पहले मैं इसको कंटेनर में ऐड करूंगा वेक्टर में एज अ पेयर। सो फर्स्ट डिक्लेयर द वेक्टर ऑफ पेयर, जो पेयर की फर्स्ट वैल्यू होगी वो स्टार्ट टाइम होगा एंड जो सेकंड वैल्यू होगी उसका एंड टाइम होगा। ओके, नाउ इंसर्ट द वैल्यू ऑफ स्टार्ट टाइम एंड फिनिश टाइम एज अ पेयर। आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस एंड वी डॉट पुश बैक सिंपल कर्ली ब्रेसेस देन स्टार्ट ऑफ आई कॉमा फिनिश ऑफ आई। अब इससे मुझे पेयर वाइज वैल्यू मिल गई हर एक्टिविटीज की, स्टार्ट टाइम एंड फिनिश टाइम। देन सिंपल सॉर्ट दिस वी डॉट बिगेन कॉमा वी डॉट एंड देन कंपैरेटर। सो आपको इसको फिनिश टाइम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, मींस वेक्टर ऑफ पेयर में पेयर की सेकंड वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। इसको सॉर्ट कैसे करते हैं मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, आप उसको देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। नाउ राइट द कंपैरेटर फंक्शन, सिंपल बोल पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट ए नाउ कॉमा पेयर ऑफ इंट इंट एंड बी। सिंपल रिटर्न ए डॉट सेकेंड एंड बी डॉट सेकेंड, इससे ये वेक्टर सॉर्ट हो जाएगा फिनिश टाइम के अकॉर्डिंग। देन सिंपल ट्रैवर्स द होल वेक्टर दो वेरिएबल ले लेते हैं, काउंट इक्वल टू जीरो क्योंकि हमें काउंट करना है एक्टिविटीज को एंड लास्ट एक्टिविटीज मैंने किस टाइम पर परफॉर्म की थी। सो यहां पर सिंपल आपको एक कंडीशन चेक करनी है, वी ऑफ आई डॉट फर्स्ट अगर ग्रेटर और इक्वल होता है लास्ट टाइम के, तो जो लास्ट है लास्ट ये बता रहा है कि आप फ्री हो उस टाइम पर। ओके, सो अगर वी ऑफ फर्स्ट मीन्स स्टार्ट टाइम अगर लास्ट टाइम से बड़ा या उसके बराबर होता है तो आप उस एक्टिविटी को कंसिडर करोगे। ओके, देन काउंट प्लस प्लस और आप लास्ट को अपडेट कर दोगे वी ऑफ आई डॉट सेकेंड से, क्योंकि इस सेकेंड पोजिशन पर ही आप फ्री हो गए। ओके, नाउ सिंपल प्रिंट द वैल्यू ऑफ काउंट, दिस विल गिव यू द रिजल्ट, सेव दिस एंड कंपाइल फाइल डॉट सीपीपी। ओके, आई नीड टू मेंशन सी प्लस प्लस 11। नाउ रन दिस एक्टिविटीज, मैंने ली 4, नाउ इनपुट द स्टार्ट टाइम 1, 2, 3 एंड 5। ओके, देन 4, 3, 4 एंड 6, आउटपुट विल बी 3। सो आपका आंसर 3 आ गया। सो इस प्रॉब्लम में अभी तक जितना मैंने पढ़ाया था सबका मिक्स यूज किया हुआ है, तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेक्टर ऑफ पेयर कहाँ यूज करना है एंड सॉर्ट फंक्शन कहाँ यूज करना है, और सॉर्ट फंक्शन में कंपैरेटर आप अपने अकॉर्डिंग कैसे यूज कर सकते हो ऐसी प्रॉब्लम्स में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स विद हेल्प ऑफ वेक्टर। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो हिट द लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। Thank you for the watching. See you in next video.